हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बैंगन आलू की सब्जी झोल वाले। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ लिए मैंने चार आलू और यहाँ लिए बैंगन 7 से 8, जिसमें ये कांटे वाले लिए मैंने। तो इनको हम निकाल देंगे। खाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए 4 प्याज, यहाँ लिए 4 हरी मिर्ची और यहाँ लिया अदरक का टुकड़ा और यहाँ लिए 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, जिसको हम पीस लेंगे। प्याज और हरी मिर्ची और लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है। मैंने बैंगन को काट लिए और आलू को भी काट लिया, ये बड़ा बड़ा टुकड़ों में। और बैंगन के करे मैंने 4 पीस इस तरीके से। तो बैंगन को हम पहले तेल में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर गैस पर चढ़ा दी कढ़ाई, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारी अच्छे से गर्म हो गई, अब डालेंगे इसमें तेल। अब तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब डालेंगे इसमें बैंगन। तो यहाँ मैंने बैंगन सारे डाल दिए और अच्छे से फ्राई कर लेंगे उनको पलट पलट के। तो बैंगन हमने निकाल लिए, अब डालेंगे आलू फ्राई करने के लिए। हल्के से फ्राई हो गए हैं, आलू को निकाल लेंगे प्लेट में। और अब बनाएंगे बैंगन का मसाला इसी तेल में। अब डालेंगे इसमें हींग 1 चुटकी, यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन और इसी के साथ डाल देंगे तेज पत्ते, जावित्री, दालचीनी, बड़ी इलायची। और बड़ी इलायची जब भी डालें आप थोड़ा सा इसको फोड़ के डालें। और यहाँ डाल रहे चक्रफूल, काली मिर्ची, लौंग और खड़े मसालों को अच्छे से सेक लेंगे। पहले मैं अच्छे से सेक गया, हम डालेंगे इसमें पेस्ट। और अच्छे से पेस्ट को भी फ्राई कर लेंगे। तो प्याज और लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट हमारा अच्छे से सीख गया है। अब डालेंगे इसमें मसाले। तो मसाले में लिए मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लिए बड़ी चम्मच लिए मैंने धनिया पाउडर और यहाँ लिए 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और नमक लेंगे स्वाद अनुसार। और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालने के बाद में। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब डालेंगे इसमें कटे हुए बारीक बारीक टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद में ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर को भी। और टमाटर पकने के लिए हम ढक देंगे इसको ढक के करीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया है, 1 मिनट हो गया है, ढक्कन को हटा लेंगे और मसाले को चेक करेंगे। तो टमाटर हमारे पक गए, ये देखिए आराम से दब रहे हैं। अब डालेंगे इसमें जो बैंगन हमने फ्राई करके रखे थे। और इसी के साथ डाल देंगे आलू
और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो बैंगन और आलू को मसाले के अंदर में हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब डालेंगे उसमें पानी। तो यहाँ मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार और सब्जी को। अब रखेंगे ढक के करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया है। हमारे 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटा लेंगे और सब्जी को चेक करेंगे। तो यहाँ हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे झोल वाले बैंगन बनके तैयार हैं। अगर झोल वाले बैंगन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि झोल वाले बैंगन कैसे लगे। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए।